Good morning, students. Now welcome back to our maths class. So students, in previous class we did exercise 3.2 यहाँ तक आए थे. आप सभी का वर्क कंप्लीट हो गया होगा और नहीं हुआ है तो बेटा आपको वर्क साथ में कंप्लीट करना है. ओके ना उस क्लास में बेटा हमने एडिशन सीखा था. फोर डिजिट वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड जो कि सिंपल वाले थे. मीन्स 3 + 3 = 6 इसमें कोई कैरी नहीं थी. अब हम सीखेंगे फोर डिजिट में कैरी वाले. ठीक है कैसे 3 + 3 + 3 + 1 तो जब 10 हो जाएंगे तो हमको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि 9 से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमको पास वाले नंबर को कैरी देना होगा. ठीक है सो लेट्स सी टेक आउट पेज नंबर 29 मैथ्स बुक फॉर क्लास 3 पेज नंबर 29 एडिशन ऑफ फोर डिजिट नंबर्स विथ कैरिंग. ये भी बहुत ही सिंपल है कैरिंग. अब क्या करेंगे बेटा हम पहले जो हमने किया था 6 + 3 = 9 कोई कैरी आई क्या नहीं आई. 5 + 1 = 6 कोई कैरी आई नहीं आई. लेकिन अब हमें क्या करना है अब फोर डिजिट का तो एडिशन करना ही है लेकिन उसमें क्या आएगी कैरी और कैरी को आपको कहाँ नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड कर देना है नेक्स्ट नंबर को दे देना है. ठीक है लेट्स सी 8 + 9 वंस वंस की है वंस वंस की प्लेस एक साथ कनेक्ट होगी ऐड होगी टेंस टेंस की एक साथ हंड्रेड की एक साथ और थाउजेंड की एक साथ. ओके सो 8 + 9 कितने होंगे 8 + 9 = 17 1 7 1 7 17 तो वंस प्लेस पे क्या है बेटा 7 तो 7 यहाँ हो जाएगा और जो टेंस प्लेस पे है वो कहाँ चला जाएगा नेक्स्ट नंबर को दे देंगे हम. ऐसे ही करते हैं ना कि नेक्स्ट नंबर को दे देते हैं. ओके ताकि प्रीवियसली हमने किया था 6 + 8 = 14 1 4 = 14 तो वंस प्लेस पे क्या है वंस प्लेस पे 4 है तो वंस को वंस के नीचे लिख दिया और टेंस प्लेस पे क्या है 1 है तो इसको कहाँ हमने टेंस को दे दिया. ठीक है ऐसे ही किया था हमने तो ये एडिशन है वंस और टेंस यानी कि इसमें दो ही नंबर हैं. अब हमें क्या करना है फोर डिजिट का करना है तो उसमें भी सेम ऐसे ही होगा. सो इन दैट मैनर सेम जैसे कि आप वंस टेंस का एडिशन कर रहे थे वैसे ही आपको वंस टेंस हंड्रेड और थाउजेंड का भी एडिशन करना है. ओके सो 8 + 9 बेटा 17 17 का आपको पता है वंस प्लेस पे क्या है 7 है तो 7 कहाँ आ जाएगा वंस प्लेस पे ये लिख दिया हमने और 1 जो है कहाँ चला जाएगा कैरी भेज देंगे हम उसको. ठीक है देन 7 + 4 11 + 1 = 12 यानी कि 1 2 12 तो वंस प्लेस वाला कहाँ रह जाएगा यहाँ आ जाएगा और जो टेंस प्लेस है वो कैरी हो जाएगा. मीन्स जब भी आप ऐड कर रहे हो और जो नंबर आ रहा है तो यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ नीचे आ जाएगा और जो उसके पास वाला नंबर है वो कैरी ट्रांसफ़र हो जाएगी. ओके नाउ 8 + 3 = 10 10 + 1 = 8 + 3 = 11 और 1 भी तो है 1 कैरी है तो क्या हो जाएगा बेटा 1 2 12 1 2 12 में 2 यहाँ रह गया और 1 कहाँ चला गया कैरी में चला गया. ओके नाउ 4 5 6 और 7 अभी भी कैरी आई है क्या कुछ नहीं आई है तो 7 एज इट इज़ लिख दिया. और अगर ये बेटा यहाँ पे 10 आया होता तो 10 हम फिर से कैरी फॉरवर्ड करते क्या नहीं करते. क्यों क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे कोई नंबर है क्या नहीं है तो 10 अगर होता तो 10 एज इट इज़ आ जाता. ओके तो बेटा फोर डिजिट के जो नंबर्स रहते हैं वो विद कैरिंग कैसे होते हैं ऐसे होते हैं. कैरी क्या करना है आपको ट्रांसफ़र करना है. ठीक है कम टू द पेज नंबर 3030 अब इस पेज में भी एक और एडिशन है इसको भी समझ लेते हैं. ये तो आपको आता ही है बेटा बस एक रिविजन है 4 + 5 + 4 1 3 13 तो 1 और 3 तो 3 कहाँ आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा नीचे वंस प्लेस पे और जो 1 है बेटा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा टेंस के पास हो गया. ठीक है यहाँ हो गया क्योंकि जो भी बचेगा वो हमको एक्स्ट्रा नेक्स्ट वाले पे ट्रांसफ़र कर देना है ये होती है कैरी. नाउ अगेन ऐड करो 6 + 4 = 10 10 + 3 = 13 13 + 1 = 14 1 4 = 14
14 में बेटा 4 यहाँ, देन कैरी हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दी, देन अगेन आप ऐड करेंगे, देन 7 प्लस 1, कभी भी आप कैरी को ऐड कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप ये सारे नंबर्स ऐड करने के बाद ऐड कर लो या साथ में ही ऐड कर लो। 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, ठीक है, देन 10 प्लस 8 18, 18, 18 में बेटा 18 में 8 कहाँ जाएगा, यहाँ, और क्या बचा कैरी के लिए 1, तो 1 को हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया 1000 के पास। देन 1 प्लस 3 4 5 6 7 8 को हमने यहाँ लिख दिया। ओके, अब तो कुछ भी कैरी नहीं बच रही है तो हमने यहाँ पर लिख दिया, और अगर कैरी बचती तो यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं तो वो नंबर एज इट इज़ यहाँ पर आ जाता। ओके, कम टू द पेज नंबर 31, एक्सरसाइज 3.3। ना फर्स्ट क्वेश्चन ऐड, अब एडिशन है, ऐड करना है हमें, 3 प्लस 3 यस 6, ओके कोई कैरी नहीं आई, नॉर्मल सिंपल। 5 प्लस 5 10, 1 10 1 10, तो बेटा 0 और 1 जो यहाँ पर है वंस प्लेस पे, वो कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ नीचे, तो 0 यहाँ आया और कैरी क्या गया बेटा 1 हमने कैरी भेज दी। ओके, 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9, ओके नाउ 3 प्लस 2 5, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल और इजी हैं। नाउ यू हैव टू डू इन योर बुक, नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, इसे हम कहाँ करेंगे बेटा, बुक में करेंगे। ओके तो बेटा ये हैं हमारे एडिशन थे जो हमने सीखे, और क्या कौन से वाले एडिशन, कैरी वाले, ठीक है, कैरी वाले क्यों, क्योंकि जिनको हम ऐड कर रहे हैं वंस प्लेस यहाँ जा रहा है, और हम एक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा नंबर है हम उसको पास वाले को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, फिर यहाँ का एक्स्ट्रा नंबर आएगा वो हम पास वाले को ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर यहाँ का आएगा वो उसको दे देंगे, और फिर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे पूरा नंबर एज इट इज़ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो ये नंबर एज इट इज़ आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक। ओके, थैंक यू।